हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए डबल धमाका है। मैंने सुबह एक ब्लॉग पोस्ट किया था और मैं अभी फिर से ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। जो सुबह पोस्ट किया था वो कल का था, क्योंकि कल मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी कि मैं बहुत टायर्ड थी। और ये आज का है। इस फ्रेम में तीन लोग दिख रहे हैं, मम्मा, मैं और पीयू। पीयू अभी सो के उठी थी, उसने अपना मतलब अपना बेड बना रही थी। यहाँ मैं मुँह धो रही थी और मम्मा किचन से हॉल में कुछ करने गई थी, आई डोंट नो। सो यस, कितना मस्त लग रहा है, लाइक सब दिख रहे, तीन लोग तो दिख रहे एग्जैक्ट। सो यस, पीयू अपना बेड सेट कर रही थी, यहाँ मैं अपना मुंह पोछ रही थी, मतलब धो रही थी ब्रश करके, एंड मम्मा किचन में थी। सो यस, तो गाइज, आई एम ट्राइंग टू प्रॉपरली डेली अपडेट रखने का, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स पढ़ के कि डेली व्लॉग मतलब बड़ा होगा तो भी चलेगा, हम लोग देखेंगे, एंड देन हम लोगों को आपको देखना अच्छा लगता है और आपकी वॉइस हमें अच्छी लगती है। गाइज, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी दिस मच लव, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो आई वॉज सेइंग गाइज कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी दिस मच लव, मतलब मैंने ना लाइक कभी सोचा नहीं था कि इतने कॉमेंट्स आएंगे कि येस येस प्लीज़ डू डेली व्लॉगिंग। मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना इतने कॉमेंट्स देख के कि येस पीपल आर लाइकिंग मी, लविंग मी। आई एम सो सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज, आई एम हैविंग यू गाइज इन माई लाइफ, दैट सो लाइक यू नो, मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स देख के। सो या थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। तो यहाँ पे जैसे कल देख सकते हो रेगुलर डे मेरा नारियल पानी खोलने का, एंड यस जैसे कि ग्लास भरा था, आई वॉज लाइक क्यों अरे भर जा रहा है, तो फिर मैंने साइड से कप उठाया, बट फिर मेरा पचका हो गया कि उत्तू से मैं रुक गया, तो मैंने वापस रख दिया एकदम इज्जत में कि नहीं भाई इज्जत नहीं ख़राब कर सकते, पर फिर भी बहुत भर गया था। एंड दिस इज़ माई हरकत, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करना कैमरा के सामने। तो सो यस, नारियल पानी के बाद काफ़ी टाइम बाद घर पे ब्रेकफास्ट में पूरी बना था, क्योंकि संडे को चक्कर मकर बनता ही है। सो यस, यहाँ पे पूरी बनाई जा रही है, मम्मा बैठ के पापा से बात करी थी और मैं और पीयू किचन में हंगामा मचा रहे थे। इसमें वॉइस ओवर में ना शिवम ने मारपीट और झगड़ा किया, इसलिए वो मैंने रखा नहीं है मतलब आवाज़ मतलब वीडियो का साउंड। और मैं पीयू को बोल रही हूँ, पीयू आराम से मेरे पर तेल उड़ेगा ना बेटा, ख़त्म। बट स्टिल गाइज, मेरा हाथ जल गया है, मस्ती मस्ती मेरे को ही लग गई है। तो मैं पीयू को बता रही थी एकदम फ्रेश फ्रेश दिखने वाला निकल, जलाना मत। देखो इस कारनामे हो तो ऐसे, देखा वो साइड में ही चिपक गया, वो नीचे उतरा ही नहीं। और फिर मैंने उसको ठीक कर दिया, तो पीयू वाज लाइक कि अरे इतने अच्छे से कैसे कर दिया। लाइक फिर मस्ती मस्ती में तो पूरी पूरी बनी गई थी, एंड मैं पीयू को बता रही थी कि अच्छे से शूट लो, पीयू शूट्स वेरी वेल, लाइक उसको आदत पड़ गई है। बट दिया ना, आप लोगों को पता ही आज सुबह के व्लॉग देख के कि वो सिर्फ 2 रुपये मांगती रहती है। गाइज मस्ती है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको लाइक यू नो मतलब उसको ऐसे साइड करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव मतलब उसी को कैमरे पे आना ज़्यादा पसंद नहीं है, पीहू और मेरा मस्ती चलता ही रहता है। सो या यहाँ आई एम मेकिंग पूरी, जैसे कि देख सकते हो प्लेट में मैंने इतनी सारी पूरी बना दी, प्लीज़ तारीफ़ करो गाइज, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है पहले से। और स्पेशली जब कुछ चीज़ सर्कल बनाना हो, जैसे कि पूरी हो गई, रोटी हो गई, सो यस मतलब अभी मैं प्रो हो गई हूँ। लाइक मैं एक साइड में तल सकती हूँ, एक साइड में बेल सकती हूँ, एक साइड में निकाल सकती हूँ, एक साइड में घी लगा सकती हूँ, रोटी और पूरी तो हो ही, देख रहे हो आप लोग, ये आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। यहाँ मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि कुछ नहीं, मैं आज संडे था, वेजिटेबल शॉपिंग कर रही थी क्योंकि खाना लेट बन रहा था, क्योंकि बहुत लेट सबने ब्रेकफास्ट किया था, मम्मा पूजा कर रही थी तो वही घंटी वंटी का आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड रेड इसलिए है क्योंकि इसके पहले यहाँ पे मैंने बीट रूट कट किया था, और बीट रूट कट करने के बाद मम्मी बोलती है कि पहले फूल गोभी काट दे क्योंकि वो बॉईल करना है धोके, तो फिर मैंने वो बीट रूट हटा के फिर मैंने फटफट वो काट दिया कॉलीफ्लावर, एंड देन फिर मैं वापस बीट रूट चॉप करती। गाइस बीट रूट मेरा फेवरेट वेजिटेबल है, मतलब मैं इसको ना बीट रूट को सैंडविच में मैश करके जो मम्मी बनाती है मेरी वो खा सकती हूँ मैं, एंड बीट रूट और पोटैटो को फ्राई करके, हे जन्नत, दैट्स माई फेवरेट। डू लेट मी नो आप लोगों की फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है। गाइस करेला तो बोलना मत प्लीज़, आई डोंट थिंक सो कि करेला किसी का फेवरेट होगा, हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी ज़बरदस्ती हमें खिलाती, पता है, बॉईल करके करेला मैश करके, लाइक उसको चोखा बना के, जो बंगालीज एंड यूपीज के होंगे उनको पता रहेगा व्हाट इज़ चोखा। तो मम्मी उसको आलू और करेला बॉईल करके चोखा बना के खिलाती। डू लेट मी नो योर फेवरेट वेजिटेबल। वर्किंग ऑन थिंग्स, कुछ चीज़ों पर कॉपी राइट्स आई थी, वही मैं सही कर रही हूँ कि कॉपी राइट्स हट जाए। एंड गाइज न्यू वीडियो आ चुकी है, प्लीज़ जाके देखो।
एंड वहाँ पी हूँ हैविंग दिस ट्रिप राइट, और हमारा ही ब्लॉग देख लिया सो गाइस आफ्टर लंच मैं सो गई थी, और सो के उठ के जब आके देखी तो मैं बोली अरे सब लोग व्लॉग देख रहे थे फ़ोन में, देख सकते हो कैसे फ़ोन के अंदर घुस गए तीनों के तीनों। सो यहाँ पे दिया मुझे पूछ रही थी आप तो रिवील करने वाले थे, सो गाइस अभी रिवील नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ा वेट करो तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स के लिए साबूदाना बन रहा था जो उस दिन का बच गया था। इसमें भी इसको योगा दिख रहा है, तुम्हारे योगा बोलने के बाद इसको योगा का ही भूत लगता है। आप लोग की गलती, आप लोगों ने भेजा मुझे। अच्छा हमारी गलती, गलती योगा जाना गलती है, करने से प्रॉब्लम है, तुम करो तुम्हें जो करना है। गाइस अभी 2 रुपए मांगने वाली थी। अरे तो अभी चीज भी ना करे फोन मतलब हर 2 सेकंड में चीज वापस करना। कल वाले वीडियो में 6 रुपए मांगे थे सारे मिला मिला के। हाँ वो दो 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 तो 6 नहीं तो 8 हुए थे। हाँ क्या बेइज्जती है बे, सही है अब तू भी बोल कभी कोई बोल। हाँ तो ना सुनो सुनो हम डिमांड जा रहे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ फिर वहाँ से ओला बुक करते हैं। ठीक है डन डन ठीक है। क्या बोलती है अब वही करो यार, सेक्शन 45 के सिलेबस सेक्शन तक ही नो जा मां बहन। मेरे दोस्त बोलते हैं अपनी दीदी को नाम लेकर क्यों बोलते हो दिया दिया, अगर इस पे किसी और को भी ऐसे क्वेश्चन है कि मैं उसे दिया दिया क्यों बोलती हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे बोल के रख रही हूँ कि जब भी मैं उसको दीदी बोलती हूँ ना वो उससे ही अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज इस पे मेरे को मत ब्लेम किया करो कि मैं उसको दिया क्यों बोलती हूँ। ठीक है अच्छा तुम मुझे दीदी बोल पक्का, ये सिर्फ 2 मिनट का है उसके बाद फिर से चालू हो जाएगी। नहीं तो मेरे को दिया ही बोल वही ठीक है। यार दीदी अच्छा नहीं लगता सुनने में तेरे मुंह से। बड़दा 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 बड़े आज खुलेगा क्या तेरा बिस्किट। Have a good day, guys. अब ये भी खाएगी हाँ। देखो जोक साइड था, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बोला। अगर किसी को मारना है ऐसा डायलॉग तो मार सकते हो। This was just a compliment. This was just a compliment. ये compliment. दिल पर मत लेना। पूछना होगे। So guys we are going for grocery shopping. So I'm changing my clothes now और मैं बहुत कम्फर्टेबल पहनने वाली, तो प्लीज मुझे जज मत करना ओके। अरे उल्टा कर यार ट्रांजेक्शन कर। ओके लेट्स चेंज इट प्लीज। मतलब इंसान जगह पे पहुंचे नहीं उसके पहले डिमांड्स रेडी हो जाते है। अच्छा ओहो हर 2 मिनट में 2 रुपए नहीं 4 रुपए या 2 रुपए दिखा दे मैं 10 रुपए दिखा रही। आई गॉट यू रेडी आ गई दिया गाइस 2 रुपए 2 रुपए अच्छा बंदे बस हो गए तेरे ड्रम से ये इनसे मैंने शर्त लगाया था बैंक का जो बड़ा मैनेजर को बाल पकड़ के खींचेगा 5 लाख का, तो वकील को बोला 1 लाख उनको दे दो 4 लाख मुझे दे दो, तो तेरा हाल वही हुआ। हो रे हो रहा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। छुट्टा चाहिए आपको। बाय गाइस बाय। सो वी आर गोइंग नाउ झाड़ू वाला मुंह टेढ़ा करता है इसलिए।
तो गाइज हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल गए, पापा के रिपोर्ट्स दिखा एंड देन वहाँ से हम निकल गए फॉर डीमार्ट एंड देन फिर हम डीमार्ट ऑटो में गए थे हमने और रैपिडो बुक किया था है हाँ एंड देन फिर मैं उनको रास्ता बता रही थी, मम्मी को पूछ के उनको रास्ता बता रही थी। एक्चुअली मुझे पता है बट मेरे को प्रॉपर एग्जैक्ट कहीं का भी रास्ता याद नहीं होता और अंधेरे में मैं फ्लेक्स करते हुए इतनी साइको इंसान की तरह जैसे कि मैं दिख रही रहूँ वाओ यार समवन प्लीज गिव मी थोड़ा सा दिमाग का हिस्स। एंड देन हम डीमार्ट पहुँच गए जैसे कि आप लोग को दिखाऊंगी मैं देख लो जब आप ग्रॉसरी के लिए जाओ ना तो प्लीज़ कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ, ये तो मेरा मानना है क्योंकि खाली ट्रॉली कब भरती कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम हमेशा मतलब हमारा एंट्री करते बिस्किट का सेक्शन आता है तो हम वही बिस्किट्स लेने लग गए। मम्मी ने टी पाउडर लिया है मैं भूल कैसे जाती हूँ सो ये साइड एंड सेक गाइस मेरी ना बहुत गंदी आदत है जाते कुछ ना कुछ उठा लेना। इस बार मैंने वो कंट्रोल रखा मेंटेन रखा कि नहीं किधर भी हाथ नहीं लगाना कोई भी चीज़ नहीं उठानी है। एंड देन फिर नीचे शॉपिंग की और कप सेक्शन देखते ही मेरे किडनी फेफड़े सब जाग जाते हैं बट फिर मम्मी का भी खौफ रहता है मैंने ऐसे दे छूती हूँ और वापस रख देती हूँ क्योंकि नहीं ब्रो मम्मी मार देगी। मेरे पास इतने कप मग्स हो गए ना कि फिर वैसा हो जाता है कि अगर मैं इतना लूँगी तो मम्मी धो ही देगी मेरे को। लिटरली मम्मी को बिना बताए मैं बहुत कप उठा लेती हूँ और मैं बाद में बोलती हूँ अरे मम्मी कुछ नहीं यार एक ही तो लिया एंड फिर मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो फिर इज्जत में कप देख के नीचे रख के हम चल पड़े नीचे क्योंकि मम्मी तो मार देगी कप लिया तो। सो यस यहाँ हम रुक गए जैसे कि आप लोग देख सकते हो इज्जत में मैं उतर गई मैंने एक कप नहीं लिया एंड देन फिर वही रश डीमार्ट मीन्स रश सो वही चालू है। और मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ और मेरे को मम्मा और पीहू ने भी बताया था कि डीमार्ट में शूट करने नहीं देते दिया ने सॉरी पीहू ने पीहू कभी जाती ही नहीं है इस रश जगहों पर तो फिर पता नहीं क्यों बट मैंने तो शूट किया मुझे किसी ने पकड़ा नहीं तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि नहीं करते नहीं देते। लाइन देख रहे होगा इस कितना है और खाली ट्रॉली भरने में टाइम नहीं लगता सही खाली ट्रॉली भरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ऐसे छूट की वजह के मतलब मैं ट्रांजिशन शूट कर सकती हूँ। एंड देन फिर हम लोग वापस से घर के लिए निकल पड़े क्योंकि बहुत रात बहुत मीन 8:30-9 बज चुके थे बहुत रात क्या होता है यार। एंड देन फिर अगेन अंधेरे में फ्लेक्स करते ओ बाई चांस मैं गलती से दिख गई गाइस इसमें थोड़ा सा लाइट आ रहा था तो यस यहाँ फिर से मैं फ्लेक्स करते हुए घर की ओर चल पड़े हम। ये रास्ता जो लोग नवी मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा गाइस गेस कर लो और कमेंट में बता दो जो लोग नहीं रहते कोई बात नहीं गाइस इट्स ओके मेरा घर जाना ज़रूरी नहीं है। यू गाइज आर जस्ट इन्जॉइंग माई व्लॉग जस्ट इन्जॉय द व्लॉग क्या बोल रही हूँ मैं यार। सो गाइज हम डीमार्ट से आते वक्त पॉपकॉर्न लेके आए थे हम इतने ना तो डिमांड जाते बट पहली बार ट्राई कर तो मम्मी पॉपकॉर्न कैसा लगा पहली बार लाके खा के मस्त पहली बार पॉपकॉर्न खा गए मतलब डीमार्ट से पहली बार लाया ना कैसा है एकदम अच्छा फटाफटी मस्त है ना फटाफटी योर रिव्यू मैम मस्त है वो चीज़ वाला पानी। सो गाइस आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ब्लू करेंट ड्रिंक ये पहले रेड आता है अभी भी बट ये अभी ब्लू न्यू आया फ्लेवर वैसे तो ये पीना नहीं चाहिए बट फिर भी कभी कभी चल सकता ब्लू करंट नाम है पर करंट नहीं लगा ऐसा ऐसी बात है तो माउंटेन ड्यू पीकर वो दिखाते हैं वो स्टंट्स करते हैं तो कोई थोड़ा सा स्टंट करने जाता है अरे थम्स अप को भी आना है यार रिव्यू करेगी गाइस फ्रेम में आओ दीदी फ्रेम में आओ दीदी फ्रेम में आओ मम्मी आप भी रिव्यू करना अच्छा रहने दो सारे आ जाओ करंट लगा ये वाइब्रेट हो जाती है मतलब इसको करंट लगा सच में लगा मम्मी रिव्यू करो अरे कुछ नहीं रेड का डुप्पी में तो बस छोड़ा कभी कभी चलता है इट्स ओके अभी हमने बोल दिया वो नहीं पीना चाहिए मैंने पहली बार पिया स्टिंग पीने में तो बहुत मजा है जो कितने में मजा है वो शरीर में सजा है अरे पर कभी कभी सजे की भी जरूरत होती है ओ ओ फिर अब तो
गाइज, हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला वीडियो एंडिंग करो प्रॉपरली, सो हियर इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू।